आज पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ विदिशा जिले के विधायक सांसद रामाकांत भार्गव ने डोलखेड़ी चौराहे से धतूरिया के बीच रिंग रोड के हिस्से पर बेतवा नदी के ऊपर बने पुल का शुभारंभ किया। इसी के साथ रिंग रोड पर आवाजाही भी विधिवत रूप से प्रारंभ हो गई। बताया गया कि 1220.80 लाख रुपए की लागत से बने इस पुल के बनने के साथ ही विदिशा शहर के चारों तरफ की रिंग रोड पूरी तरह बनकर तैयार हो चुकी है। सागर की ओर से आने वाले वाहनों के लिए बिरसिया, बासोदा, गुना, अशोकनगर जाने के लिए कम से कम 12 से 15 किलोमीटर का सफर बच जाएगा। साथ ही विदिशा शहर पर पड़ने वाले अतिरिक्त यातायात के दबाव में भी कमी आएगी। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ही इस रिंग रोड का भूमि पूजन किया गया था। अधिकांश हिस्सा बनकर तैयार हो चुका था। इसी पुल के इंतजार में रिंग रोड अधूरी थी, जब पूरी हो चुकी है। अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि इस पुल के और रोड के प्रारंभ होने के साथ जहां बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए लाभकारी होगी, तो वहीं ग्राम सोराई, लश्करपुर, जीवाजीपुर, अमाछावर आदि गांवों में भी रहने वालों को फायदा होगा। इस दौरान विदिशा विधायक सांसद भी इस दौरान मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जो आज भोपाल में करोड़ों रुपए की सौगात मध्य प्रदेश को देने आए, वह उनका भी स्वागत और धन्यवाद करते हैं। आज पहले तो मैं नितिन गडकरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज सैकड़ों करोड़ रुपए की सौगात देने वो मध्य प्रदेश भोपाल पधार रहे हैं, जिनमें मेरे क्षेत्र बुधनी की भी नेशनल हाईवे का वो भूमि पूजन करेंगे। उनका हृदय से स्वागत है और प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को, नितिन गडकरी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। विकास की गंगा विदिशा में बह रही है और आज जिस पुल का लोकार्पण हुआ है उसके कारण विदिशा, इन गांवों को तो फायदा है ही। जीवाजीपुर, सो रही, लेकिन इसके अलावा विदिशा को रिंग रोड भी मिला है। ये सौगात जनता को बड़ी सुविधा प्रदान करेगी, ये जनता को समर्पित। बिहार को लेकर सर, भाई जी कहना आपका, बिहार की सरकार को लेकर 17 महीने बाद धक्का लगाया गठबंधन? धक्का तो बनने के पहले ही टूट गया, इंडी गठबंधन बिखर गया और नीतीश जी का एनडीए में स्वागत है। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।